जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही गजब होने वाला है। आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग गुस्से जब हो जाते हैं, हम लोग को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग का बहुत सारे नुकसान होता है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से गुस्से को हम लोग कंट्रोल कैसे करें। कभी कभी तो हमारी बाज़ार में क्या कहते हैं ना, बहुत सारे दवाई भी मिलता है खुद यानी कि गुस्से को कम करने के लिए। लेकिन मैं सात चीज़ बताऊँगा, ठीक है, सात चीज़ बताऊँगा। अगर ऐसा आपको हफ्ते में दो हफ्ते या तीन हफ्ते आप लोग करोगे, देखोगे आपको गुस्से कंट्रोल हो जाएगा और आप लोग अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हो। क्या है ऐसा सात चीज़, जी आप लोगों को पता है कि हमारी एक हफ्ता यानी कि 1 वीक 7 डेज, एक हफ्ता 7 दिन ही होता है। पहला दिन यानी कि पहला दिन आपको सोमवार बनाना है या मंडे, जिसको आप लोग गुस्से में भी बोलते हो। एक दिन क्या करना है आपको, आपको आपके माइंड के अंदर ये बता जाना है कि आज हफ्ता का पहला दिन है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। आज हफ्ता का पहला दिन है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो आप अगर आप ये बात आपके माइंड में बैठा दोगे, देखोगे कितने हद तक आपके जो गुस्से हैं वो कम हो जाएगा। नंबर 2 यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार तो मंगल ही होता है। मैं अमंगल क्यों करूँगा, खुद का और दूसरों का अमंगल क्यों करूँगा। इसीलिए मंगलवार को ये बैठाना है आपके अंदर, क्योंकि मंगलवार तो मंगल का दिन है, अमंगल क्यों करूँगा। तीसरा यानी कि वेडनेसडे, बुध के दिन तो शुद्ध होता है, सब काज शुद्ध होता है, मैं अशुद्ध क्यों करूँगा। मेरे कार्य में और दूसरे कार्य में हम लोग क्या करना है, अशुद्ध क्यों लाऊंगा बुध के दिन पे। इसके बाद चौथा दिन यानी कि आपके चौथा यानी कि आपके वेडनेसडे के आपके थर्सडे आते हैं, यानी कि हम लोग हिंदी में गुरुवार से, गुरुवार तो गुरु के दिन होता है, जैसे हम लोग का गढ़ के दिन, गुरु को जैसे हम लोग का जो राक्षस का लाइफ होता है उसको क्यों लाऊंगा। गुरु के दिन के हम लोग क्या करेंगे, गुरु को पूजा करेंगे, इसलिए हमारे के अंदर जो क्रोधित का जो गुण है, गुस्से का जो गुण है उसको कम करेंगे। इसके बाद आता है फ्राइडे यानी कि पाँचवा दिन, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार तो हम लोग का जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो भी है हमारे, चाहे फादर मदर यानी कि हस्बैंड वाइफ जो भी है, हम लोग उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रवार शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसीलिए हम लोग का शुक्रवार को भी गुस्से नहीं लगे, क्योंकि अगर आप लोग शुक्रवार को गुस्सा लाओगे यानी कि शुक्रिया के दिन गुस्सा लाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ये वाला बात आप लोगों के दिमाग में बैठाना है। इसके बाद छठा दिन यानी कि शनिश्चर के दिन, शनिश्चर में हम लोग क्या करते हैं, शनिदेव को पूजा करते हैं, इसीलिए शनिश्चर में भी शनिदेव को घर को नहीं लाना है, आपको हैप्पी हैप्पी आना है। और शनिश्चर शनि के शनि भी हम लोग का कहते हैं ना, कली का देवता मंदिर है, तो इसीलिए शनिश्चर को शनि को नहीं लाना है घर में, सुख शांति बजाय रखना। लास्ट यानी कि एंड ऑफ द वीक यानी कि संडे का तो छुट्टी का दिन है, आप कैसे गुस्सा लाओगे। इससे जो हफ्ते का मतलब बोला, हफ्ते के जो गुस्से होता है, अगर इसे आप लोग के 2-3 हफ्ते आपके दिमाग में कि सोमवार यह है, मंगलवार यह है, बुधवार यह है, गुरुवार यह है, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे संडे यानी कि इतवार के दिन भी इससे आप लोग 2-3 हफ्ता कर लेंगे, आपके दिमाग में ये बात सिर्फ देखोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका गुस्से का जो चीज़ है ये मिनिमम टू मिनिमम 50% कम हो जाएगा। जब 50% कम हो जाए तो आप अपने हिसाब से और 50% देना है, 50 + 50 = 100%। ये गुस्से का जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा लालची होता है, और जब आप गुस्से हो जाते हो तो आपके ऊपर और दूसरे के ऊपर यानी सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा खराब पड़ता है,
और इसीलिए आपको काम पे, आपके दिमाग में, आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप बहुत ही आपको क्या कहते हैं ना खराब होता है, इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करो। और मैं जो बता रहा हूँ हफ्ते का 7 दिन पे कैसे आप लोग गुस्से को कंट्रोल करें। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड में भी ये गुस्से का चीज़ हर लोग के, हर मानव के पास होता है। ओके, थैंक यू।